आशीर्वाद देंगे, और अगर नहीं करेगी तो सरकार को हमारे श्राप लेने होंगे। आपने देखा होगा कुछ जो काम उन्होंने आगे बढ़ाए हमारे। सर्वप्रथम आपको नमस्कार कलाम साहब। ईपीएस 95 का मुद्दा आप लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके बहुत बड़ी फाइट दी थी। इलेक्शन तक ऐसे लग रहा था कि आज होगा कल होगा, अभी मंत्री बुला रहे हैं, अभी ये होगा, मंत्री जी ने ये कहा वो कहा, लेकिन और लोगों की आशाएं इतनी ऊंची इतनी बड़ी थी कि लोगों को लग रहा था अभी होगा, शायद शाम तक हो जाएगा, इसके तो अब भी साक्षीदार है। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद सरकार को, गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आया कि इन लोगों की ताकत क्या है। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि इन लोगों की जो ताकत है ईपीएस 95 के पेंशनरों की, इसको आप ऐसे मत गिनो कि कितने लोग जमा होते हैं। ये लोग जमा नहीं हो पाते क्योंकि पैसा नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है कि हर घर में हर चीज़ पहुंच जाती है, और फिर जगह जगह पे लोग सभाएं लेके उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो जो चीज़ आप कवर करते हैं वो तकरीबन सभी लोगों के तक पहुंच जाती है, और लोग उस हिसाब से अपना खुद का जो दिमाग है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि लोगों की इतनी बड़ी आशा जिंदा होने के बावजूद, आशा लगी होने के बावजूद, जब काम नहीं हुआ तो लोग निराश हो गए, और वो निराशा जो है वो बाहर आई किसी तरीके से। हालांकि हमने संगठन की तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतदान करो या ना करो या किसी को सपोर्ट करो ये फैसला कभी लिया नहीं, और ना कि हम उस हिसाब से सोचते भी थे। कई लोगों ने मुझे बताया कि आप अभी ऐसा करो, आपका काम किया नहीं, इनके खिलाफ जाओ। हमने बोला भाई हम खिलाफ किसी के नहीं हैं, हम साथ सबके हैं। सरकार अगर काम करती तो उसका फायदा उनको मिलता, सरकार ने काम नहीं किया तो थोड़ा बहुत उनको उसका नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, जो भी है वो उनकी जिम्मेदारी है। अब और हमने तो अपनी तरफ से नहीं कहा, लेकिन लोगों में जो नाराजगी थी वो प्रकट हुई है किसी न किसी तरीके से। अच्छा हुआ बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन नाराजगी प्रकट हुई है। अब इसमें ये भी हुआ कि चलो भाई इलेक्शन के बाद कर देते, कम से कम कहीं अनाउंसमेंट कर देते। हमने तो ये यहाँ तक कहा, मैनिफेस्टो कमेटी के हर मेंबर को हम मिले बीजेपी के, कि आप पर भरोसा है तो आप कम से कम मैनिफेस्टो में ही रख लो इस बात को, या कहीं से बता दो कि हम आपका काम इलेक्शन के बाद करेंगे। वो नहीं कर पाए तो अभी लोग निराश तो है। तो कमांडर साहब निराश हैं, आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, आपको ऐसा कोई आदमी नहीं है ईपीएस से जुड़ा हुआ, मंत्री हो वो अफसर हो, सबने वादा किया कमांडर साहब आपका काम होगा, लास्ट आ गया, चुनाव आ गया, अब चुनाव भी खत्म हो गया, उन्हीं की सरकार दोबारा बन गई, अभी तक तो हाथ जोड़ के काम चल रहा था, अब टेढ़ी उंगली होगी चुनाव के बाद, कैसे होगी, किस तरह से आएगी लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं हमें तो देखिए, हम आशावादी लोग हैं, हमें ऐसे लगता है सरकार इन चीज़ों से कुछ सीख लेगी। हालांकि हम बहुत छोटे लोग हैं, हम इतने बड़े राजनीतिज्ञों को सीख नहीं दे सकते, एडवाइस जरूर दे सकते हैं कि भाई देखो लोगों में ये तबका बहुत बड़ा है कलाम साहब, 48 लाख परिवार है जो रिटायर्ड का रिटायरमेंट का डायरेक्ट उसके भुक्तभोगी है, और 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले हैं जो जिनके या ये 78 लोगों के ऊपर उनका भविष्य निर्भर है, तो इनडायरेक्टली उन लोगों का भी इसमें फायदा नुकसान है। सरकार को करना कुछ नहीं, उन्हीं के पैसे उनको देने की सहूलियत करनी है, और जो ईपीएफओ जो हवा बनाता है, कल भी हम, अब मैं आपको बता दूं, कल हम यहाँ के जो अपने नए लेबर मिनिस्टर है, राज्य मंत्री लेबर के आदरणीय शोभा करंजाले जी, उनको मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई, वहाँ के कई अधिकारियों को, जॉइंट सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी जो ईपीएफओ का काम करते हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उनको यही कहा कि पूरा मामला जो हमने बिल्कुल दिल से स्टडी किया है, क्योंकि हमारा आंदोलन ऐसे नहीं कि कुछ दो कुछ
स्वार्थ के लिए, कुछ पॉलिटिकल हेतु, ऐसा नहीं है। सॉरी। तो हमने उनको बोला कि ये पूरे मामले में एक विषय है जो आप सबको डिसीजन लेने से रोकता है, और वो विषय है एक्चुरी की हवा। देखो एक्चुरी ने ऐसे कहा था, देखो एक्चुरी ने ऐसे कहा है। अरे भैया, वो एक्चुरी आपका बिल्कुल भंकस है, और उसने जो कहा है उसके बारे में तो हमने जब मीटिंग की थी आदरणीय फाइनेंस सेक्रेटरी जी से, टीवी सोमनाथन जी से, तो उन्होंने, और उसमें हमारी सीपीएफसी मैडम भी थे, हम लोग थे, मंत्रालय के लोग थे, 2 घंटे की मीटिंग थी, उसमें भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि डोंट यू थिंक दिस एक्चुअली इज अ ओवर डन थिंग। तो मैडम ने बोला हाँ, बोले ऐसा कौन सा फंड होता है जिसका एक्चुअली 16 साल एक ही रहता है, आपका एक ही एक्चुअली इवेल्यूशन कर रहा है 16 साल से, बदलो उसको, गेट सम न्यू लिबरल पीपल, दोज हु कैन डू सम रियलिस्टिक थिंग। अगर पैसा जमा करके ही रखना है तो इन लोगों से क्यों किया भाई, अगर इनको काम ही नहीं आएगा वो, तो उनसे पैसा जमा क्यों किया, उनके जो ट्रस्ट में जो मेंबर्स होते हैं उनके हित की भी तो बात होनी चाहिए ना, पैसा जमा करके क्या करोगे आप। तो ये चीजें उन्होंने भी कही थी, और ये एक्चुअली का जो जब तक ये हुआ ये लोग समझेंगे नहीं कि ये एक प्रकार का डिकॉय है, एक प्रकार का उनको भटकाने का एक मार्ग है, देखो इसमें ऐसा लिखा है। अरे भाई, एक्चुअली कुछ भी लिखेगा, डिसीजन लेने वाले तुम लोग हो, तुम्हें हमारा भला बुरा, अपने देश के लोगों का हित समझता है, वो करना चाहिए। तो सर आगे का संघर्ष कैसे होगा, इनसे कैसी बात होगी, किस तरह से अपना हक और अधिकार लिया जाएगा? हक और अधिकार तो हम लेके रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, हम चाहे अपनी जान हमें गंवानी पड़े, हम हक और अधिकार लेके रहेंगे। ये उन लोगों का हक है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके पास पैसा भरा है और आपके ऊपर 100% विश्वास करके रखा है, भारत सरकार के पास हमारा पैसा है, इस टाइप का उनकी कॉन्फिडेंस था जिसको इस सिस्टम ने धक्का दिया है। लोग बहुत निराश है, लेकिन लोग लड़ने के लिए तैयार है। हमने अभी कई जगह उसका मुआवजा लिया, मालूमात की, और वहाँ पे लोगों का गुस्सा और भी तीव्र है, लोग कुछ भी कर सकते हैं इस मूड में है। अभी हमारी महाराष्ट्र में शिरडी में गए 23 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, सभी जिला के पदाधिकारी थे, सभी ने अपने भावनाएं व्यक्त की, और सभी का कहना है कि हम या तो अपना हक लेके रहेंगे, नहीं तो आने वाले इलेक्शंस में हम अपना प्रभाव दिखाएंगे, आप हमें मरा हुआ मत समझिए, हम जिंदा लोग हैं, ये हमारा कहना है। जैसे उस दिन जो लोगों ने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना विचार रिजर्व रखता हूँ, मैं उन्हीं कह रहूँगा, लेकिन लोगों ने ये कहा कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस आ रहे हैं, जो टूटी फूटी पार्टियां है, जोड़ तोड़, बंधन गठबंधन, ये सारे की क्षमता अभी एक जैसी है, महाराष्ट्र में ईपीएफओ ईपीएस के 95 के पेंशनरों की संख्या सबसे बड़े तादाद में है, वहाँ 13 लाख परिवार रिटायर्ड परिवार है, और तकरीबन 6.1 करोड़ वो लोग हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं, उसमें से कुछ लोग अंशदान करते हैं, कुछ लोग अभी तक कर नहीं पाए, तो इतनी बड़ी ये संख्या है। अब ये ऊंट जिस तरफ करवट बैठेगा कलाम साहब, उसकी जीत होगी, ये निश्चित है। अब इसमें मैं कोई अर्थ नहीं निकाल रहा हूँ, ना किसी को अर्थ निकालने के लिए बोल रहा हूँ, मैं लोगों की जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। सर आपको लाखों करोड़ों जो है ईपीएस 95 पेंशनर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके मैसेज का इंतजार करते हैं, अगर एक बार कमांडर साहब ने कोई मैसेज दिया बहुत गौर से सुनते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि मैं जानता हूँ कि हमारा काम इलेक्शन से पहले नहीं हुआ, और आपको पहले भी हम लोगों ने आपकी तरफ से मैंने कहा था, यही रिपोर्टर साहब थे, हमने ये कहा था कि अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी, हमारा काम करेगी, तो हम सरकार को आशीर्वाद देंगे,
और अगर नहीं करेगी तो सरकार को हमारे श्राप लेने होंगे। आपने देखा होगा कुछ जो काम उन्होंने आगे बढ़ाए, हमारे जो मीटिंगें करवाई, कुछ ना कुछ आशान्वित किया, उसके लिए हमें हमारा उनको आशीर्वाद तो मिला है, आधा अधूरा मिला है। और जो काम हमारा बोलने के बाद भी नहीं किया उसके श्राप भी शायद मिले हैं। ये बूढ़े लोगों का यह है, आपकी पुण्याई का ये प्रभाव है, प्रताप है, निराश नहीं होने का है, बिल्कुल निराश नहीं होने का है। हम अपना हक लेके रहेंगे। अभी महाराष्ट्र में हमारी धुआंधार मीटिंगें शुरू हो रही है। 12 तारीख को उत्तर महाराष्ट्र की मीटिंग जलगांव खानदेश में है, 13 तारीख को पुणे में बहुत बड़ी मीटिंग है, 14 को सांगली में है, 15 को अभी निश्चित नहीं लेकिन शायद कोल्हापुर में है, उसके बाद नांदेड़ में मीटिंग होगी, औरंगाबाद में होगी, अमरावती में होगी। ये सब मीटिंगें महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हो रही है। इसमें आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है। आपको मीटिंग में हाजिर रहना है, आपको अपने हक के लिए आगे बढ़ चढ़ के मांगना है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है कि आयोजक आपको खाना खिलाएगा। अपने घर की दो रोटी बांध के लाओ, मैं भी ला रहा हूँ, अपने घर की पानी की बोतल लेके आओ, मैं भी लेके आ रहा हूँ। आयोजक पे हम भार नहीं डालेंगे और अपनी जो चीज़ें हैं जो हमें कहना है वो हम कह के रहेंगे। हम ये साबित कर देंगे कि हम जिंदा है, मरे नहीं है और हमें लांग के कोई नहीं जा सकता। जिसने भी ये कोशिश जो भी करेगा वो मुंह के बल गिरेगा, ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। और आप हिम्मत मत हारिए, 31 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारी बहुत बड़ी सभा होगी, उस सभा में अवश्य आइएगा, अवश्य आइएगा। खर्चा होगा, फजीहत होगी, दुर्व्यवस्था होगी, उसको इग्नोर करके आना है। हमारे लिए, आपके लिए, हमारे मतलब हमारे भाइयों के लिए, जो लोग आज चल फिर नहीं पाते उनके लिए आना है। सब आके अपना कार्यक्रम बड़ा करेंगे और सरकार को वहाँ से एक हम याद दिलाएंगे कि हम भी खड़े हैं राहों में और हमारी तरफ ध्यान देना आपका कर्तव्य है, इनको बताएंगे। यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।